अभी हाल ही में सोनी लिव की ओर से बहुत ही बड़ा डिसीजन लिया गया और सभी तमाम लाइव टीवी चैनलों को सोनी लिव ऐप से हटा दिया गया। इसको लेकर काफी लोगों के मन में परेशानी बनी हुई है। काफी लोग ये भी सोच रहे होंगे कि आखिर उन चैनलों का क्या हुआ, कहां गए, क्यों गए, क्या रीजन है इसके पीछे, हमारे बीच बंद क्यों कर दिए गए। पूरी जानकारी जो है इस वीडियो में आपको मिलेगी। काफी समय से हमारे बीच सोनी लिव ऐप के अंदर सोनी के तमाम टीवी चैनलों को हम एज अ लाइव देख पाते थे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने डीटीएच का कनेक्शन अपने घर पर एक्टिवेट नहीं करवाया हुआ है, लगवाया भी नहीं हुआ है, तो उसके बावजूद हम अपने मोबाइल का हॉटस्पॉट देकर या फिर घर का वाईफाई ब्रॉडबैंड का इस्तेमाल करके हम सोनी लिव ऐप में जो भी सोनी के तमाम चैनल थे, फॉर एग्जाम्पल हम सोनी एचडी की बात करें, सोनी मैक्स की बात करें, मैक्स एचडी की बात करें, सोनी पिक्स की बात करें, इवन हम स्पोर्ट्स कैटेगरी में बात करें तो सोनी स्पोर्ट्स 101, सोनी स्पोर्ट्स 102, तमाम चैनलों को हम एज अ लाइव टीवी देख पाते थे। लेकिन आज के समय पर इन सभी चैनलों को आपकी ऐप से बंद कर दिया गया है। तो चरण में पहली बार आए हैं, अभी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि इसी तरह की जानकारी आपको आगे भी मिलती रहे। तो बताना चाहूंगा कि सोनी लिव की ओर से इतना बड़ा डिसीजन इसीलिए लिया गया है क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं ये शिकायतें आ रही थी कि सोनी लिव में तमाम लाइव टीवी चैनलों के उपलब्ध रहने से डीटीएच इंडस्ट्री पर और केबल टीवी इंडस्ट्री पर बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट पड़ रहा है और इसका नतीजा ये है कि उन चैनलों का सब्सक्रिप्शन बहुत ही कम लोग लेना पसंद कर रहे हैं। अब मान लीजिए अगर आपके घर में ब्रॉडबैंड का कनेक्शन लगा हुआ है तो आप सोनी का पैकेज सब्सक्राइब क्यों करेंगे, क्योंकि आज के समय पर हर कोई कंपनी ब्रॉडबैंड का अनलिमिटेड प्लान ही ऑफर कर रही है। अब वो जमाना नहीं रहा कि आपको एक लिमिट दी जाती है कि इतना ही डाटा आपको इस्तेमाल करने के लिए मिलेगा, तो ऐसा सिस्टम अब नहीं रहा। वाईफाई में, वाईफाई के अंदर आपको अनलिमिटेड प्लान ही मिलता है और अनलिमिटेड प्लान का मतलब यही होता है कि जितना चाहे आप उतना इस्तेमाल करें। और अगर अनलिमिटेड डाटा प्लान हम इस्तेमाल करने लगे तो तमाम लाइव टीवी चैनलों को जितना चाहे हम उतना देख सकते हैं, उसके लिए कोई भी हमारे को डाटा का खतरा नहीं बना रहता। तो इसी वजह से जो है अब बहुत सी ऑडियंस जो है वो लाइव टीवी की ओर बढ़ने लगी थी। इवन मोबाइल पर भी लोग जो है सोनी के तमाम चैनलों को सोनी लिव ऐप पर ही देखने लगे थे। डीटीएच को सब्सक्राइब करना कल नहीं कहीं इम्पैक्ट कर रहा था, डीटीएच कंपनीज को नुकसान हो रहा था, क्योंकि सब्सक्रिप्शन जब कोई लेता नहीं है तो कंपनीज को भी लॉस होता है, क्योंकि कंपनीज ने इतने करोड़ों रुपए जो है वो ब्रॉडकास्टर्स को पे किए हुए हैं तो उसका जो भरपाई वो कैसे होगी। इसी रीजन से जो है सोनी लिव की ओर से इतना बड़ा डिसीजन लिया गया है कि अगर बांस ही नहीं रहेगा तो बांसुरी कैसे बजेगी, यानी कि जब सोनी लिव के ऐप पर लाइव टीवी चैनल रहेंगे ही नहीं तो आप देख कैसे पाओगे। तो आपको मजबूरी में डीटीएच को अपना एक्टिवेट करवाना ही पड़ेगा। इनकेस आपका वाईफाई कनेक्शन अभी नहीं चल रहा है, सर्वर डाउन है, कोई रीजन है, तो उसके उसी समय पर हमें डीटीएच कनेक्शन की याद आती है और हम डीटीएच कनेक्शन पर इन सभी चैनलों को मजबूरी में ही सही लेकिन सब्सक्राइब जरूर करके देखेंगे। तो दोस्तों यही रीजन है इसके पीछे कि कंपनीज को, डीटीएच कंपनीज को, केबल टीवी ऑपरेटर्स को लॉस हो रहा था, इसी वजह से सोनी की ओर से इतना बड़ा डिसीजन लिया गया। आपको क्या लगता है कि इस डिसीजन सही लिया गया है या नहीं लिया गया है? और अभी जैसे आपने देखा ही होगा कि अभी वाइकोमेटिन की ओर से वूट एप्लीकेशन को बंद किया गया तो उसमें भी काफी हमारे बीच लाइव टीवी चैनल्स आया करते थे जो कि अब हमारे बीच उपलब्ध नहीं है। और जिस तरह से सोनी ने डिसीजन लिया है तो हो सकता है कि आने वाले समय में जी भी ऐसा डिसीजन ले और सभी लाइव टीवी चैनलों को हमारे बीच बंद कर दे। वैसे जी की ओर से फिलहाल कोई जानकारी तो नहीं है लेकिन कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि सोनी और जी के बीच भी मर्ज चल रहा है, तो सेम डिसीजन जो है वो फॉलो हो सकता है।